हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, छत पर से कपड़े सुखाने आए हूँ, तो छत पे फैलाने हूँ कपड़े, मैं राधिका दोनों लोग मिल करके, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े फैला करके और नीचे भाग जाए, बहुत तगड़ी वाली धूप निकली हुई है। और मैं काफ़ी दिनों बाद, नहीं एक या डेढ़ महीनों बाद शायद, मैं इस तरीके से डेली रूटीन का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो जो शूट करी है वो दीपिका वीडियो बना रही है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ इधर उधर भी हो जा रहा है, तो उतना ध्यान मत दीजिएगा। और हम लोग दोनों लोग माँ बेटी मिल करके कपड़ा फैला रहे हैं, धूप तगड़ी वाली निकली हुई है, बाहर का सामने का नज़ारा दिख ही रहा है, पेड़ पौधे। और कपड़े ज़्यादा इसलिए हैं, ये वीडियो कल ही का है यानी कि मंगलवार का, तो पूर्णमासी था और फिर अगले दिन सावन शुरू होने वाला था। तो मैं सोची कि जितने भी घर में तकिए का कवर, बेड शीट, जितने भी जहाँ पे भी बिछे हुए हैं सारा मैं धुल देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत जो है वो घर की सफाई हो जाए। एक तरीके से जब सावन शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि त्यौहार कोई शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से थोड़ा सा साफ़ सफाई मैं कर दी हूँ एक्स्ट्रा, तो वही इसी वजह से कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो गया है। और जितने भी कपड़े ऊपर मैं फैला पाई हूँ, ऊपर कहीं भी रस्सी नहीं है, बस जितना भी है जो छत पे ग्रिल लगी हुई है लोहे वाली उसी पे फैला पाई हूँ, और दीवार पे बेडशीट फैला दी हूँ, और बाकी नीचे बाहर का जो कमरा है जो जिसमें हम लोग सोते नहीं हैं, उस कमरे में दो रस्सी बंधा हुआ है, सासू माँ बंधवाई थी कपड़ा फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जो भी हल्के कपड़े हैं, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि सूख जाएगा, और अभी तो मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मशीन जो है वॉशिंग मशीन ऐसे ही पैक ही रखा है, खुला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स्ट्रा एक भी टोटी नहीं है, नल नहीं है जहाँ पे मशीन को सेट किया जाए ताकि इस्तेमाल करें। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, तो जो हल्के हल्के कपड़े हैं उनको यहाँ पे फैला दे रही हूँ। और ये एक दिन पहले का नहीं, यानी कि मैं उठाई हूँ कपड़े फैलाने से पहले, तो वही सारे कपड़े हैं जो कि बेड पे रखे हुए हैं, उन सबको अभी जगह पकड़ाऊँगी, सेट करके रखूँगी। और मच्छरदानी तो है जो कि एक दिन पहले मैं धोई थी। क्या था ना कि जब घर में पूजा हुआ था और जब मतलब सब लोग आए थे गांव से, तो सबके आने से पहले मैं सात या आठ मच्छरदानी नए नए खरीदी थी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ का मतलब वातावरण जो है, एरिया जो है वो खुला है, तो मच्छर ज़्यादा लगता था, इसी वजह से मुझे लगा किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं 8 मच्छरदानी खरीद करके रख ली थी, 7 खरीदी थी और शायद एक पहले से था, तो कुल मिलाकर के 8 मच्छरदानी हो गए। और अभी क्या है कि कभी सूरज ऊपर छत पे लगा लेता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी भी इधर उधर एक दो मच्छरदानी पड़ी हुई थी, तो वही छत पे पड़ी हुई थी, छत की रेलिंग पे, तो उसको मैं उठा करके लाई कि धो करके सुखा करके और रख दूँगी बेड में। क्या होता है कि ऐसे ही बिना काम के भी कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता, और रखे रखे बहुत गंदा लगता है, तो इसी वजह से मैं धोई थी रखने के लिए। तो इन सब को भी समेट करके और बेड में रख दूंगी, जिसका यूज नहीं हो रहा है उसको बेड में रख दूंगी और जो यूज हो रहा है उसको बाहर रखूंगी। बाकी तो डेली जहां हम लोग सोते हैं वहां मच्छरदानी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि यहां मच्छर बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। सारा कपड़ा सेट होने के बाद मैं सोची कि लगे हाथ बेड शीट भी बिछा देती हूँ, यानी कि बेड सही कर देती हूँ। ऐसे भी दोपहर से बाद का टाइम हो गया था काम करते करते, तो काम का ऐसा है, एक तो गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है
कि अगर थोड़ा सा झाड़ू भी लगाने लगे तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मगर गर्मी भी है, काम भी जो है घर का है वो करना ही है, तो उसी के साथ साथ मैं तो क्या करती हूँ, काम करते रहती हूँ और एक अपने आसपास गमछा, कॉटन वाला जो गमछा होता है वो रखे रहती हूँ, उसी से बार बार मुँह हाथ पोछते रहती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि एकदम पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और तकिए का कवर तो सारा धुला हुआ है, तो जब सूखेगा तब लगा दूंगी। और ये देखिए इतना ही काम करते करते जो है हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पे ना मैं एकदम काली हो गई हूँ। मतलब कि बाहर अपना वाला जो घर बन रहा है मेरा वाला, वहाँ पे भी काम होता है तो वहाँ भी देखना पड़ता है, और बाहर जो है खुला खुला है, धूप सामने से आता है, और मैं अभी इधर उधर भाग दौड़ वाला काम है तो उतना जो भी है होना होगा हो जाएगा। और अभी शाम का टाइम है तो शाम में ना बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पे राधिका चिप्स तल रही है, गांव से मम्मी लाई थी चिप्स और वो क्या बोलते हैं चावल वाली बड़ी, हमारे यहाँ चरौरी बोलते हैं, तो कुछ मम्मी भिजवाई थी, मायके से आया था और कुछ सासू माँ लेकर के आई थी, तो वही यहाँ पे तला जा रहा है। और अभी हो गया है रात, तो डिनर तो बन गया है। डिनर में क्या बनाया, नमकीन चावल बनाई हूँ, सोयाबीन और जो आलू प्याज डाल करके बनता है वो वाला, और बच्चे खा रहे हैं। मैं अपना और दिव्यांशु का खाना निकालने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक खीरा कट कर लेती हूँ। नमकीन चावल इसलिए बनाया है कि पति देव और भाई सूरज और जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो दोनों नहीं आएंगे, नाइट लग रहा है तो वो दोनों रात में नहीं आएंगे, तो अभी हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही खाना खा लेंगे खा करके, और जो भी थोड़ा बहुत काम होगा किचन क्लीन करना और बिस्तर वगैरह सेट करके थोड़ा सा बाहर घूम लेंगे। बाहर थोड़ा यहाँ पर हवा अच्छी लग रही थी इसी वजह से, तो हम लोग सोचे कि हम लोगों को ही खाना है, किसी का इंतज़ार नहीं है, तो गरम गरम खा ही लेते हैं, इसी वजह से पहले हम लोग खा लिए। खाना खाने के बाद लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। राधिका अपना ड्यूटी कर रही है, मैं अपना ड्यूटी कर रही हूँ। राधिका का ड्यूटी दे रखी हूँ डेली किचन का काउंटर क्लीन करना और चूल्हा साफ करना, तो इतना काम ही अपना खाना खाने के बाद बगैर बोले ही कर देती है, और बाकी मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। तो ये दोनों माँ बेटी का डेली का अब नाइट रूटीन बन गया है। क्या होता है ना कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, लड़की हो या लड़का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस लड़की को ही काम करना, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को थोड़ा बहुत घर का काम आना चाहिए, मेरा ये मानना है। कभी मान के चलिए कहीं बाहर रहना पड़े पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो फिर थोड़ा बहुत तो काम समझ में आना चाहिए। और खाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद जो कपड़े धोई थी वो सूख गए थे, तो वो ऐसे ही उठा करके रख दी थी मैं, और मैं नहा भी ली हूँ खाना खाने से पहले, खाना बना करके और जितनी भी थोड़े बहुत काम थे वो करके मैं नहा ली थी, और नहा करके ढीला ढाला कपड़ा पहन ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली गर्मी लग रही थी इसी वजह से। और ये सारे कपड़े फिर से फोल्ड करके इनको जगह पे रखूँगी। यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं तब से पतिदेव फर्स्ट टाइम नाइट लगाए हैं, और यहाँ थोड़ा एकांत में पड़ जाता है, यानी कि यहाँ अभी यहाँ पे मतलब पूरे एरिया में घर भी नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा तो अजीब सा लग ही रहा था, मगर फिर भी हम लोग जल्दी से खाना खा करके बाहर थोड़ा सा घूमे, फिर गेट वेट बंद करके और सारा लाइट वगैरह बंद।